एपिसोड की शुरुआत में हम चेनी को देखते हैं जो कि चिन्हाओ को तंगाओ के नेचर के बारे में बता रही थी कि कैसे उसने ग्वानमाई को अपना घर मान लिया था, वो कितना फ्रेंडली था और सभी लोग उसे कितना पसंद करते थे और उसके जैसा प्यारा इंसान उसने कभी भी नहीं देखा। फिर चेनी चिन्हाओ से 10 सेकंड के लिए तंगाओ जैसा बिहेव करने के लिए कहती है। तब चिन्हाओ उसका रीजन पूछता है पर चेनी चिन्हाओ को हक कर लेती है और कहती है कि क्योंकि वो तंगाओ को अच्छे से गुड बाय नहीं कर पाई थी। पर इन दोनों को इस तरह और शो दोनों ही देख लेते हैं, जो देखकर शो गुस्से में गाड़ी से उतरकर चिन्हाओ के पास जाने वाला होता है पर यूनी उसे रोक लेती है। इसलिए अब शो यूनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर चिन्हाओ चेनी को खुद से अलग करता है और कहता है कि वो तंगाओ नहीं है। उसी वक्त ताइजू भी वहाँ पर आकर चिन्हाओ को वापस जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद यूनी खुद को रोने से रोकती है, जिसे इस हाल में देखकर शो गुस्से में गाड़ी को काफी तेज चलाने लगता है। अब घर पर भी यूनी को उदास बैठा हुआ देखकर मिसेस शेनो से उसका रीजन पूछती है पर यूनी उन्हें कुछ नहीं बताती। इतने में वहाँ पर चिन्हाओ आ जाता है जो कि तंगाओ के कपड़े में था। तब चिन्हाओ सारी बातें बता देता है कि कैसे वो एक्सीडेंटली भीग गया था। यहाँ पर यूनी उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो चिन्हाओ झूठ बोल देता है कि हाँ वो तो परफेक्टली हो गया। पर यूनी इस बार चुप नहीं बैठती और पूछती है कि तुम और चिन्हाओ एक दूसरे के गले क्यों लग रहे थे, जिस पर चिन्हाओ अपनी सफाई देने लग जाता है पर यूनी बिना कुछ सुने ही वहाँ से रोती हुई चली जाती है, जो देखकर मिसेस शेन चिन्हाओ को दोबारा से चिन्हाओ के पास जाने से मना करती है। पर अपने रूम में जाने के बाद भी चिन्हाओ चिन्हाओ की कही हुई बातों को याद कर रहा था। दूसरी तरफ चिन्हाओ भी उस मोमेंट को याद कर रही थी जब उसने चिन्हाओ को हक किया था। फिर अगले दिन यूनी चिन्हाओ को बिना वेट किए ही दूसरी कार में ऑफिस चली जाती है और फिर चिन्हाओ दावा के साथ दूसरी कार में जाता है। कंपनी के बाहर चिन्हाओ को शो मिलता है जो कहता है कि तुम्हें यूनी का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा। वो उसे ये भी बोलता है कि तुमने बचपन से ही कभी किसी का ख्याल नहीं रखा और इतना कहकर शो वहाँ से चला जाता है। आगे ऑफिस में दावे फाइल रखकर जाने वाला होता है। तब चिन्हाओ उससे पूछता है कि किसी लड़की को कैसे मना सकते हैं पर फिर वो खुद ही बोलता है कि अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो खुद ही सिंगल हो। लेकिन फिर दावे बोलता है कि लड़कियों को वो लड़की ज्यादा पसंद आते हैं जो कि उनके साथ घूमे, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे और उनकी हर बात में हेल्प करे। जिस पर चिन्हाओ बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर दावे कहता है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है और वो ये भी बोलता है कि उन्हें यूनी को एक छोटा सा रोमांटिक गिफ्ट देना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है ग्वानमाई इनकी तरफ, जहाँ पर सभी लोग प्रिंसेस स्नो के साथ चिन्हाओ की फोटो की बात कर रहे थे कि कैसे चिन्हाओ कभी भी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाता पर ग्वानमाई इनको बचाने के लिए उसने ऐसा किया और कभी कभी तो उन लोगों को लगता है कि तंगाओ वापस आ गया है। इधर मिस्टर तांग चेनी और ताइचू भी बात कर रहे होते हैं कि कैसे चिन्हाओ ने उनकी हेल्प की और मीडिया में भी प्रिंसेस स्नो की खबर बाहर नहीं आई। तब ताइचू कहता है कि ग्वानमाई इन सैनुअल कंपनी का पार्ट है तो कुछ टाइम के लिए वो लोग इसे नहीं तोड़ेंगे और फिर सबको रिलैक्स करने के लिए कहता है। सीन अब यूनी पर आता है जो कि दावे को घर चलने के लिए कहती है पर वो उसे कहीं और लेकर जा रहा था। इधर चेनी और ताइचू भी एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होने की वजह से चेनी को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पर ताइचू कहता है कि इवेंट के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी इसीलिए ये ट्रीट वो अपनी तरफ से दे रहा है। पर उसी वक्त वहाँ पर चिन्हाओ यूनी के साथ आ जाता है लेकिन चिन्हाओ चेनी को अवॉइड करता है और अपने रिजर्व टेबल पर यूनी के साथ जाकर बैठ जाता है। पर चेनी को यहाँ पर देखकर यूनी का मूड ऑफ हो जाता है और चिन्हाओ को यहाँ पर देखकर ताइचू चेनी उसे कहीं और चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है। तब ताइचू उसे बोलता है कि उसे तंगाओ को भूलकर किसी और के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बाद वो चेनी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है लेकिन चेनी अभी इस सब के लिए रेडी नहीं थी तो ताइचू बोलता है कि कोई बात नहीं वो उसका वेट करेगा। इधर चिन्हाओ यूनी को एक बॉक्स देता है जिसे यूनी खोलती है तो उसके अंदर एक प्यारा सा नेकलेस था जो कि यूनी को काफी पसंद आता है। तब चिन्हाओ उसे बताता है कि ये उनकी डेट है और वो प्रॉमिस करता है कि वो अब से हमेशा उसके साथ ही रहेगा। चिन्हाओ का ये बिहेवियर देखकर यूनी काफी हैरान होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसे कोई रोमांटिक प्रेजेंट नहीं दिया था। फिर चिन्हाओ उसे कल रात के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि आगे से मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। साथ ही वो बड़े प्यार से उसे अपना लाया हुआ नेकलेस भी पहनाता है, जिन्हें ऐसे देखकर चिन्हाओ काफी उदास हो जाती है। तो ताइचू उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है लेकिन चिन्हाओ अभी भी काफी इमोशनल थी तो ताइचू उसे यहाँ पर एक फनी स्टोरी सुनाता है जो सुनकर वो हंसने लग जाती है और चिन्हाओ के हंसने की आवाज सुनकर चिन्हाओ बार बार सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। अब रात को ताइचू चिन्हाओ को उसके घर ड्रॉप करता है और कहता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनता देखने के लिए वेट कर सकता है, जिन्हें मोमजिनजी और शेन से बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। साथ ही साथ ताइचू उसे ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जिसके बाद वो उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दावे चिन्हाओ और यूनी को एक साथ देखकर चिन्हाओ से अप्रेजल की बात करता है पर चिन्हाओ उसे इग्नोर कर देता है। सीना वापस से चिन्हाओ पर आता है जिसे मोमजिनजी समझा रही होती है कि उसे ताइजू के प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कब तक वो पुरानी यादों के साथ ही जीती रहेगी। बीच में शेन से भी कहता है कि उसे उनकी फैमिली के लिए ताइजू के साथ होना पड़ेगा पर चिन्हाओ बिना कुछ कहे ही अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन हम सैनुअल कंपनी को देखते हैं जहाँ पर चिन्हाओ और मिस्टर वांग के बीच ग्वानमाई फिशिंग विलेज के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन हो रहा था,
जहाँ जुनाओ ने यहाँ पर भरोसा दिलाता है कि ग्वानमाई की डेवलपमेंट हिस्टोरिकल वैल्यूज को बचाते हुए होगी, जहाँ पर मिस्टर वांग के साथ ताइजू भी था जो कि उनकी तरफ से पूरे प्रोजेक्ट पर अपना सुपरविजन रखेगा। ताइजू यहाँ पर उससे अपने लिए एक ऑफिस की डिमांड करता है जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जिसके लिए जुनाओ एग्री करता है। फिर कुछ देर बाद ताइजू चेन्यू के पास जाता है जो कि चेन्यू को बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि ग्वानमाई डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वो सब लोग यहाँ का काम खुद हैंडल करने वाले हैं, पर बैड न्यूज ये है कि उसे सैनवेल के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए उसे जाना होगा। जो सुनकर चेन्यू उदास हो जाती है। तब ताइजू कहता है कि तुम टूरिज्म और कल्चरल इवेंट अच्छे से हैंडल करती हो तो तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि मिस्टर तांग अब बूढ़े हो चुके हैं और शेंजे भी अभी काफी छोटा है, इसलिए तुम्हें प्रोफेशनली होटल हैंडल करना आना चाहिए। जो सुनकर चेन्यू सोचने लग जाती है तो ताइजू उसे बड़े प्यार से समझाता है और अपने साथ ग्वानमाई की डेवलपमेंट में साथ काम करने के लिए कहता है। और बात रही जुनाओ की, तो तुम्हारा पास्ट था, उसे भूलकर तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। पर रात में भी चेन्यू इसी सब के बारे में सोच रही थी, तब वहाँ पर मॉम जिनसे आती है, जिन्हें चेन्यू सारी बातें बताती है। तो मॉम चेन्यू को जाने के लिए कहती है, लेकिन चेन्यू ने कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किया था, इसलिए वो काफी घबराई हुई थी। पर मॉम उसे यहाँ पर प्यार से समझाती है कि तुम बाहर की दुनिया में उड़ने के लिए बनी हो और अगर तुम गिरी भी तो मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हूँ, इसलिए अब चेन्यू भी सैनवेल जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शो मिस्टर जांग की कही हुई बातें याद कर रहा था कि उसे खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और कैसे वो सिर्फ अब एक डायरेक्टर बनकर रह गया है। अगले दिन हम चेन्यू को देखते हैं जो कि सैनवेल कंपनी जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, जहाँ सभी लोग उसे चेयर अप करने के लिए उसका हौसला बढ़ाते हैं और मास्टर चेन्यू को अपने हाथ से बने हुए डम्पलिंग्स भी देते हैं। इतने में ही वहाँ पर ताइजू चेन्यू को लेने के लिए आ जाता है, जिसके बाद मॉम जिनसी उसे कुछ पैसे देती है और काम के दौरान उसे ठीक से खाना खाने के लिए भी कहती है। जहाँ चेन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है, पर फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब सैनवेल कंपनी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो लोग मिस्टर वांग की बात कर रहे थे कि शायद उन्हें अभी प्रोजेक्ट में कुछ डाउट्स हैं, इसलिए उन्होंने ताइजू का हम लोगों पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर जांग आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि चुनाव की किडनैपिंग में उनका कोई भी हाथ नहीं था। उसी वक्त वहाँ पर ताइजू चेन्यू के साथ आता है और बताता है कि चेन्यू उसके असिस्टेंट है, जिस पर दावे असिस्टेंट होने की रिक्वायरमेंट्स बताने लग जाता है। पर ताइजू कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है और चेन्यू उसके असिस्टेंट के साथ साथ ग्वानमाई के रिप्रेजेंटेटिव भी है, इसलिए चुनाव भी उसे यहाँ पर रखने के लिए मान जाता है। अब मीटिंग शुरू होती है जहाँ पर शो सभी को प्रोजेक्ट डिटेल्स बताता है कि किस तरह वो लोग वहाँ पर थीम पार्क, वाटर पार्क, मॉल्स वगैरह सब कुछ डेवलप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आ सके। पर यूनी यहाँ पर जानबूझकर कुछ बिजनेस टर्म्स बोलती है और कहती है कि इससे पहले हमें ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो चेन्यू से सजेशन मांगती है। पर उसे तो इन सब का मतलब भी नहीं पता था, जो देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तब ताइजू उसे समझाता है कि इन सब का मतलब क्या होता है, पर इस सब के बाद भी उन्हें चेन्यू को परेशान करना बंद नहीं करती। फिर मीटिंग में 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, इसीलिए चेन्यू जाओ के साथ कॉफी लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उससे उन सारे टर्म्स के बारे में पूछती है जो कि यूनी उससे पूछ रही थी। तो जाओ उसे बताने लग जाता है और कहता है कि बाकी चीजें भी वो उसे बता देगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अब ये लोग कॉफी लेकर वापस जाते हैं, जहाँ पर सभी को सर्व करते टाइम चेन्यू से गलती से कॉफी यूनी के लैपटॉप पर गिर जाती है। तो जुनाओ चेन्यू को डांटने लगता है कि तुम हर जगह प्रॉब्लम खड़ी कर देती हो, पर यूनी कहती है कि उसका ध्यान नहीं गया और कॉफी गिर गई। फाइल रिकवर करने के लिए फिर जुनाओ यूनी के साथ चला जाता है तो मिस्टर जांग भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि तुम इसी तरह हमारी कंपनी को सरप्राइजेस देती रहना, जो सुनकर चेन्यू रोने लग जाती है, पर ताइजू उसे संभालता है। इतने में वहाँ पर यूनी शो के साथ आ जाती है और चेन्यू से माफी मांगने लग जाती है कि उसकी गलती की वजह से उसे मीटिंग में डांट पड़ी, इसलिए वो यहाँ पर चेन्यू को प्रोफेशनल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ऑफर करती है ताकि वो ताइजू को प्रोफेशनली असिस्ट कर पाए, जिसके लिए वो मान जाती है और ताइजू भी चेन्यू के कहने पर मान जाता है। यूनी अब चेन्यू को एडमिन ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ पर मिस अदा किसी को 2 मिनट लेट आने पर काफी डांट रही थी और इस चीज के लिए वो उस एम्प्लॉय का मंथली बोनस भी काट लेती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और यूनी ये सब कुछ चेन्यू के साथ जानबूझकर कर रही थी। इसके बाद शो यूनी को लंच पर चलने के लिए कहता है और बताता है कि जुनाओ सैनवेल होटल बिना बताए इंस्पेक्शन के लिए गया है। शो यहाँ पर उसे ये भी पूछता है कि तुमने चेन्यू को ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा, जिस पर यूनी कहती है कि वो तो बस उसे एक चांस देना चाहती है, लेकिन शो को डाउट रहता है क्योंकि उसे पता है कि यूनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ मिस अदा चेन्यू का रिज्यूमे देखकर हैरान हो जाती है कि बिना किसी स्किल्स, प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस के वो ताइजू के असिस्टेंट कैसे बन गए। तब चेन्यू उसे सारी चीजें बताने लगती है कि वो ताइजू की गाइड थी और तब हम दोनों मिले। इसीलिए अदा अब चेन्यू को जेनिटर रूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारे रिज्यूमे के अकॉर्डिंग तुम्हें एज अ क्लीनर स्टार्ट करना होगा। वो उसे बोलती है कि एक गुड लर्नर तो कहीं से भी एक्सपीरियंस ले सकता है, जिस पर चेन्यू कहती है कि वो खूब मेहनत करेगी। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर आती है और अपने काम में लग जाती है, जिसे इस तरह काम करते हुए
कोई उन्हें देख रही थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अदा वॉकी टॉकी पर चेन्नी को फ्लोर 21 का वॉशरूम साफ करने के लिए कहती है, जहाँ बाथरूम क्लीन करने के दौरान उसे शेंसी का कॉल आता है जो पूछता है कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं, तो वो झूठ बोल देती है कि हाँ उसने बर्गर खा लिया, जो सुनकर जिंजी मॉम उसे जंक फूड खाने से मना करती है और बोलती है कि अगर वो मोटी हो गई तो ताइचू की जैसा रिच लड़का उसे छोड़ देगा, जिस पर चेन्नी कहती है कि वो खुद अमीर बनेगी और बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। फिर वो पूरे दिन काफी ज्यादा क्लीनिंग करती है और अब सिर्फ जुनाओ का ही ऑफिस बचा था क्लीन करने के लिए। पहले तो उसे लगता है कि अंदर कोई नहीं होगा, पर जब वो जुनाओ की आवाज सुनती है तो मास्क लगा लेती है। जहाँ अंदर सफाई करते हुए भी चेन्नी सिर्फ जुनाओ को ही देखे जा रही थी, लेकिन सफाई करते वक्त वो गलती से शावर खोल देती है जिसकी आवाज सुनकर जुनाओ अंदर आ जाता है और उसे पहचान लेता है। तब चेन्नी बताती है कि ताइचू को प्रोफेशनली असिस्ट करने के लिए वो यहाँ पर एडमिन ऑफिस में एज एन इंटर्न प्रैक्टिस कर रही है। अब क्योंकि चेन्नी भीग चुकी थी इसलिए जुनाओ अपने कबर्ड से एक शर्ट निकाल कर उसे दे देता है, जहाँ चेन्नी जाते जाते उसे बोलती है कि क्या तुम थोड़े कम सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें देखकर लोग डर जाते हैं और भागने लगती है। पर जुनाओ उसे बिना कुछ कहे ही बाहर आ जाता है। जब चेन्नी चेंज करती है तो देखती है कि वो जुनाओ के कपड़ों में काफी फनी लग रही थी, पर जब वो यहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर यूनी आ जाती है, इसलिए चेन्नी बाथरूम में ही छुप जाती है। और क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वो चेन्नी को यहाँ पर देखे, इसलिए वो उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन यूनी वहीं पर बैठकर उसका वेट करने लग जाती है। इसलिए अब जुनाओ को भी अपना काम बंद करके उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ उसका ये बिहेवियर देखकर यूनी काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी वजह से काम छोड़ रहा है, लेकिन असली रीजन तो कुछ और ही था। फिर उन दोनों के जाने के बाद चेन्नी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और जाने से पहले जुनाओ के कैबिन को देखने लग जाती है। फिर वो उसकी चेयर पर बैठकर उसकी एक्टिंग करती है और खूब हंसती है। फिर ऑफिस से बाहर निकलते वक्त चेन्नी ताइचू को देखती है जो कि उसका वेट कर रहा था, तब वो कहती है कि आज वो उसे ट्रीट देगी। फिर वो उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर चेन्नी उसे खाना खाने को देती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होने की वजह से वो ठीक से खा ही नहीं पाता। ताइचू यहाँ पर उससे पूछता है कि उसके बैग में किसकी शर्ट है, तो चेन्नी बता देती है कि काम के दौरान उसके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए जुनाओ ने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए। फिर ताइचू यहाँ पर उसे उसके मेटियोर शावर वाली विश के बारे में पूछता है, लेकिन चेन्नी उसे ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाती, तो ताइचू बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उसका वेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन्नी रात को अपने घर के अंदर पढ़ाई कर रही थी ताकि वो अच्छे से ताइचू का असिस्टेंट बन पाए। अब अगले दिन चेन्नी ऑफिस में सफाई करते वक्त एम्प्लॉयज की बातें सुनती है जो कि ताइचू के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना हैंडसम है। दूसरी तरफ अदा बाथरूम में फ्लोर गीला होने की वजह से गिरते गिरते बचती है। फिर वो चेन्नी के पास जाकर उसे खूब डांटती है और उसे बाथरूम साफ करने के लिए कहती है, जो अपना काम करते वक्त चेन्नी गलती से जाओ से टकरा जाती है जिस वजह से सारे पेपर उड़ जाते हैं। तब जाओ ये काम करते हुए चेन्नी को नोटिस कर लेता है, तो चेन्नी उसे सारी बात बताती है। इधर यूनी अपनी वेडिंग लोकेशंस देख रही होती है, तब जुनाओ से बोलता है कि वेडिंग के लिए सैनवेल होटल ही ठीक रहेगा क्योंकि वो गेस्ट के लिए भी कन्वीनियंट होगा, जिसके लिए यूनी मान जाती है। इतने में ही वहाँ पर शु मंथली ऑपरेशन एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जहाँ रिपोर्ट देखकर जुनाओ कहता है कि मार्व ने उन्हें इस बार हरा दिया, तो शु भी उसे साइलेंटली प्लान करके इस बार उसे हराने के लिए कहता है। अब रात में जब चेन्नी काम कर रही होती है तब उसे लगता है कि जुनाओ तो इस वक्त तक जा चुका होगा, इसलिए वो बिना दरवाजा नॉक करे अंदर चली जाती है, तो उसे देखकर जुनाओ उसे सफाई करने के लिए 15 मिनट का वक्त देकर कॉफी पीने के लिए चला जाता है। जहाँ सफाई करते वक्त चेन्नी उसकी शर्ट को टेबल पर रख देती है, पर इतने में ही वहाँ पर यूनी आ जाती है जो टेबल पर रखी हुई शर्ट के बारे में पूछती है, तो चेन्नी उसे कल वाली बात के बारे में बता देती है, जिस पर यूनी उसे बोलती है कि जुनाओ किसी और की पहनी हुई शर्ट नहीं पहनता, इसे तुम ही रख लो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर चेन्नी अपना काम करने लग जाती है, लेकिन गलती से वैक्यूम क्लीनर से काम करते वक्त टेबल पर रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ जाते हैं, तो वो उन्हें अरेंज करके वापस से फाइल में रख देती है, लेकिन एक पेपर अभी भी उसकी ट्रॉली में रह गया था जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। चेन्नी के जाने के बाद जुनाओ अपने कैबिन में वापस आता है, जहाँ वो टेबल पर शर्ट रखा हुआ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जब वो फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक पेज मिसिंग है, इसलिए वो दावे से चेन्नी को अपने कैबिन में भेजने को कहता है। दूसरी तरफ जब चेन्नी को अपने ट्रॉली के अंदर वही पेज मिलता है तो उसे लगता है कि ये जरूर मिस्टर जाओ से टकराते वक्त उसके पास आ गया होगा, इसलिए वो जाओ को जाकर दे देती है और उस पेज को देखकर जाओ झूठ बोल देता है कि अरे इसे तो वो वैसे ही फेंकने वाला था, और उस पेपर को लेकर वहां से चला जाता है। इतने में ही दावे वहां पर आकर चेन्नी को जुनाओ के कैबिन में लेकर जाता है, जहां पर जुनाओ उससे उसके पेजेस के बारे में पूछता है, तो चेन्नी उसे बोलती है कि वैक्यूम क्लीनर से सफाई करते वक्त लेकिन उसने सारे पेजेस अच्छे से अरेंज कर दिए थे। तब यूनी कहती है कि वो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि मिसिंग है। जुनाओ चेन्नी को अपने कैबिन से जाने के लिए बोलता है और दावे से उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मंगवाता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस शॉट को भी फेंक देता है। बाहर जाकर दावे चेन्नी को बताता है कि वो एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अगर वो लीक हुआ तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसीलिए चेन्नी अब उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने लग जाती है।
इतने में हिताइचू वहाँ पर आता है जो कि चेनियो को क्लीनिंग ड्रेस में देख लेता है। तो चेनियो को उसे सारी बात बतानी पड़ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। तो हिताइचू उसे घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ कार में चुनाव दावे से कहता है कि कल चेनियो को काम से निकाल देना, लेकिन यूनी कहती है कि वो हिताइचू के साथ आई है, हम उसे हिताइचू के असिस्टेंट बनी रहने देंगे। ये बोलकर वो उसे वेडिंग डेकोरेशन वगैरह दिखाने लग जाती है। अगले दिन सैनुअल कंपनी में आधा चेनियो के पास आती है और उसे उसकी गलती के लिए फायर कर देती है। इसीलिए अब उदास होकर जब चेनियो हिताइचू के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि सैनुअल कंपनी तुम्हें फायर नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो। इतने में ईशाओ वहाँ पर किसी से फोन पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन की डील कर रहा होता है, जिसे ये दोनों छुपकर सुन लेते हैं। और हिताइचू के पूछने पर चेनियो बताती है कि कल उसने ज़ाओ को एक फाइल दी थी। और हिताइचू के पूछने पर चेनियो बताती है कि कल उसने ज़ाओ को एक डॉक्यूमेंट दिया था। तब हिताइचू उसे बताता है कि ज़ाओ अच्छा आदमी नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो सुनकर चेनियो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जांग शू से उसके नेक्स्ट मूव के बारे में पूछते हैं, तो शू बताता है कि जुनाओ ने मार्व के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वाली डॉक्यूमेंट खो दी है। तब जांग कहता है कि अगर ये बात लीक हुई और बोर्ड को पता चला तो सारा ब्लेम जुनाओ पर आएगा। इधर चेनियो ज़ाओ पर पूरी नजर रख रही होती है, और जब ज़ाओ पानी पी रहा होता है तो चेनियो उसे जानबूझकर टकरा जाती है और उसका फोन चुरा लेती है। तभी वहां पर अदा आती है जो कि चेनियो को बोलती है कि तुम फायर होने के बाद भी काम क्यों कर रही हो, जिस पर चेनियो कहती है कि वो बस आज के लिए काम करेगी और चली जाएगी। अब चेनियो यहाँ से फटाफट जाकर उस फोन को हिताइचू को दे देती है, जिसे हिताइचू अपनी एक जूनियर आईटी एक्सपर्ट को उसे हैक करने के लिए देता है। और हैक करने के बाद वो बताती है कि अब से रियल टाइम कॉल और मेल्स इस फोन में भी आएंगे। और जाते जाते वो उन्हें ये भी बताती है कि मार्व की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे छुपाती है, इसलिए वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड इंसान है। फिर चेनियो वो फोन वापस से ज़ाओ को देने के लिए जाती है, जो कि अपना फोन ढूंढ रहा था। तो चेनियो उसे उसका फोन दे देती है और बोलती है कि तुम्हारा फोन यहाँ पर टेबल पर पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उठा लिया। जहाँ फोन वापस लेकर ज़ाओ वहाँ से चला जाता है। और चेनियो भी वापस से हिताइचू के पास आती है। ज़ाओ ने पता चलता है कि ज़ाओ ने पहले भी मार्व के साथ सैनुअल कंपनी के सीक्रेट शेयर किए हैं, लेकिन पहले उन्हें वो फाइल ढूंढनी होगी ताकि वो जुनाओ को उसकी सच्चाई बता पाए। अब क्योंकि काफी देर हो जाती है, इसलिए हिताइचू चेनियो को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ उसके घर पहुंचकर चेनियो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काफी सारी इम्पोर्टेड चीजें थी और वो काफी सारी कंट्रीज में घूम चुका था। फिर दोनों कॉल आने का वेट करते हैं, लेकिन काफी देर होने की वजह से चेनियो सोफे पर ही सो जाती है। तो हिताइचू उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है ताकि वो अच्छे से सो पाए, और उसे सुलाने के बाद वो खुद सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन जब चेनियो उठती है तो देखती है कि हिताइचू ने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था, जिसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ हिताइचू उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है ताकि वो जब चाहे यहाँ पर आ सके। फिर कुछ देर बाद सैनुअल कंपनी में हिताइचू और चेनियो ज़ाओ की बातें सुनते हैं कि वो डॉक्यूमेंट की डील करने के लिए कहा जाने वाला है। और चेनियो जुनाओ को ये बात बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन जुनाओ उसके बिना एक बात सुने ही वहाँ से चला जाता है। तो हिताइचू दावे से हेल्प मांगता है। फिर दावे जुनाओ को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर हिताइचू ने उसे बताया था, और उसे बोलता है कि मीटिंग की लोकेशन चेंज हो गई है। लेकिन वहाँ वो हिताइचू और चेनियो को देखता है, तो दावे जुनाओ को उन पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ज़ाओ मार्व के साथ सैनुअल कंपनी की सीक्रेट्स की डील कर रहा था, लेकिन जो फाइल ज़ाओ ने दी थी वो तो कोई और ही थी, जिसे देखकर ज़ाओ हैरान हो जाता है क्योंकि चेनियो ने पहले ही उसके डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया था, जिसके बाद मार्व वहाँ से चला जाता है और असली डॉक्यूमेंट्स चेनियो जुनाओ को दे देती है। अब जब मिस्टर जांग को ज़ाओ के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि वो भले ही जनरल मैनेजर बनना चाहता था लेकिन इसके बदले वो किसी को भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था। फिर चेनियो जुनाओ से अपनी जॉब के बारे में पूछती है कि क्या वो यहाँ पर अब काम कर सकती है, जिस पर जुनाओ एग्री कर देता है, पर वो उसे उसके कैबिन से दूर रहने के लिए कहता है। अब जाते जाते चेनियो उसे उसकी शर्ट के बारे में बताती है कि उसने उसे टेबल पर रख दिया था, लेकिन चुनाव बोलता है कि वो सेकंड हैंड शर्ट नहीं पहनता, जो सुनकर चेनियो थोड़ी सी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को सभी लोग चेनियो की आज की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ मॉम जिनसी उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर रुकी थी, तो चेनियो बताती है कि हिताइचू के घर पर, जो सुनकर मॉम जिनसी काफी खुश होती है और शेन से पूछता है कि क्या वो अंकल बनने वाला है, पर चेनियो उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है क्योंकि ऐसी बातें सुनकर वो हिताइचू के सामने काफी एम्बैरेस फील कर रही थी। दूसरी तरफ मिसेस शेन जुनाओ को उनकी शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस करने के लिए कहती है ताकि वो सेटल हो जाए अपनी फैमिली के साथ, जो सुनकर यूनी काफी खुश होती है और जुनाओ भी इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन यूनी जुनाओ को उसी शर्ट में देखती है जो कि उसने चेनियो को पहनने के लिए दी थी, जो देखकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि जुनाओ कभी भी सेकंड हैंड कपड़े नहीं पहनता था,
पर उसने चेनियो की पहनी हुई शर्ट फिर से पहन ली थी। फिर जब चेनियो भी उसे उसकी पहनी हुई शर्ट पहनते हुए देखती है तो काफी खुश हो जाती है। अब मीटिंग में भी सभी लोग मार्व से आगे निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। तब शू बोलता है कि मीडिया में मिस्टर शेन को किसी ने नहीं देखा, अगर वो फोकस के एडिटर इन चीफ चियान को अपना इंटरव्यू दे तो इससे उनके होटल की काफी पब्लिसिटी हो जाएगी। और इसके लिए सजेशन मांगने के लिए वो यूनी के लिए भी पूछता है, पर उसका ध्यान तो सिर्फ जिनाओ के शर्ट पर था। पर इस बात पर मिस्टर जांग एग्री करते हैं, इसलिए जिनाओ इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। अब मीटिंग के बाद जांग शू के पास जाता है और बताता है कि चियान काफी पॉपुलर और गुस्सैल इंसान है, अगर जिनाओ इसके ईगो को हर्ट कर देगा तो बोर्ड मेंबर्स उसे जरूर हटा देंगे, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन का सवाल होगा। दूसरी ओर जब यूनी चेनियो को काम करता हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, जिस पर चेनियो जवाब देती है कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड होकर गवर्नमेंट को संभालना चाहती है। तो यूनी उसे अपने होटल में काम करने का ऑफर देती है ताकि वो होटल चलाना सीख पाए, जो सुनकर चेनियो काफी एक्साइटेड हो जाती है और वहां जाने के लिए मान जाती है। पर यूनी ये सब चेनियो को जुनाओ से दूर रखने के लिए कर रही थी। इधर जुनाओ अपने कैबिन में बैठकर चेनियो की बातों को याद कर रहा था कि कैसे सभी लोग उसे डांट रहे थे, लेकिन इस बीच उसके हाथ से पानी गिर जाता है तो वो सफाई करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहता है, जहाँ उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चेनियो वहां पर आएगी, पर उसकी जगह पर वहां पर कोई और सफाई करने के लिए आता है। इतने में ही ताइचू वहां पर गुआनमई की आइलैंड प्लानिंग देखने के लिए आ जाता है, जहां पर वो जुनाओ से एक डॉल्फिन पार्क बनाने के लिए भी कहता है ताकि और भी टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके, जिस पर जुनाओ कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर ताइचू वहां से जाते वक्त जुनाओ को उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि शादी में चेनियो और मुझे बुलाना मत भूलना। दूसरी तरफ यूनी को भी सभी स्टाफ मेंबर्स उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। तब वहां पर शू यूनी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें शादी को लेकर श्योर नहीं हो तो तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए, क्योंकि मेमोरी लॉस के वक्त जुनाओ ने चेनियो से प्यार किया था। जिस बात का यूनी थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देती है कि जब उसने बचपन में अपनी आंखें खोली थी तब उसने जुनाओ को अपने पास पाया और तब से ही वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है, जिस पर शू कहता है कि हो सकता है कि ये तुम्हारे बीच की फैमिली बॉन्ड हो जिसे तुम प्यार समझ रही हो। पर यूनी यहाँ पर शू को यही अपना फाइनल डिसीजन बताती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।